हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अपना टीचर डॉट कॉम दिस इज़ मुर्तजा हैदर योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फॉर सेकेंड ईयर बोर्ड एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस तो इस वीडियो में हम एक और एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे किसकी डिफरेंशियल कैलकुलस यानी डेरेवेटिवस की तो प्रीवियसली हमने एक एग्जाम्पल ये देखी या एक एप्लीकेशन हमने ये देखी के डिफरेंशियल कैलकुलस या डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन ये होती है कि अगर आपके पास एक कर्व है उस कर्व के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर आपने स्लोप फाइंड करना है सो विद दी हेल्प ऑफ डेरिवेटिव आप उस कर्व के उस पॉइंट के ऊपर आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर हम एक और एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं वो एप्लीकेशन क्या है तो चलें आए हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं वो एप्लीकेशन आपके पास है कि हम डेरिवेटिव्स की मदद से क्या फाइंड करते हैं हम फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज जिसको आप मैक्सिमा भी कह सकते हैं और मैक्सिमा ठीक है और मिनिमम वैल्यूज जिसको हम मिनिमा कहते हैं ओके तो यहां पे हम देखेंगे कि द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव अगर हमें किसी भी एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है या अगर हमें मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरेवेटिव तो आए चले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं तो उसको समझने से पहले मैं यहाँ पे आपके सामने एक कर्व ड्रॉ करना चाहूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कर्व है या आप इसको ग्राफ भी सपोज कर सकते हैं एक ग्राफ आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह का है ओके लेट से आपके पास ये ग्राफ है ओके okay? अच्छा अब यहाँ पे मैं इस ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूँ यह आपके पास एक पॉइंट है जिसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ यह आपके पास एक और पॉइंट है जिसको मैं बी का नाम दे रहा हूँ यह आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सी का नाम दे रहा हूँ दिस इज डी एंड दिस इज ए बी सी डी एंड ओके अच्छा अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास ये एक ग्राफ है ठीक है ये ग्राफ किस तरह का है आप इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है पहले ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है का मतलब ये कि पहले ये इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग क्यों है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं बढ़ते 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 जब ये पॉइंट बी पे आया तो फिर ये क्या हो गया ये वापस से डिक्रीजिंग चला गया ठीक है जब ये डिक्रीजिंग गया तो ये इस तरह से नीचे आया और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये पॉइंट सी पे आया सी पे आने के बाद वापस से ये क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया इंक्रीजिंग होते 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 ये क्या हो गया पॉइंट डी e पे आ गया पॉइंट डी पे आने के बाद वापस से ये क्या आ गया आपके पास पॉइंट ई e पे ये ग्राफ ख़त्म हो गया ओके okay? अब अगर मुझे इस ग्राफ के अंदर आपसे अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताएं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है तो आप बड़ी आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि सर ये जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट डी है ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है ओके okay? और ये जो पॉइंट सी है ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, आपके पास अगर कोई भी एक फंक्शन गिवन हो क्योंकि हमारे पास जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर आपके पास ग्राफ बना हुआ नहीं आता ना ही आपसे ग्राफ ड्रॉ करने को कहते हैं आपके पास एक फंक्शन दे दिया जाता है और आपसे ये पूछते हैं कि उस फंक्शन की आप मैक्सिमम वैल्यूज़ बताएं या मैगजिमा बताएँ जिसको आप मैगजिमा कहते हैं या आप उसकी मिनिमम वैल्यूज़ या मिनिमा बताएं तो यहाँ पे हमने ये बात समझी कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं इस ग्राफ में मुझे नज़र आ रहा है कि पॉइंट बी और डी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है और पॉइंट सी आपके पास मिनिमम वैल्यू है इसको मैं यहाँ मैंशन कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ द पॉइंट बी एंड सी आर द मैगजिमा इसको मैं मैगजिमा uh, लिख देता हूँ एंड सॉरी पॉइंट सी एंड डी पॉइंट सी एन डी दिस एंड दिस वन एंड सी इज द मिनिम अच्छा यहाँ पे तो हमने ये देख लिया कि मैक्सिमा क्या होता है मिनिमा क्या होता है किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज को हम मैक्सिमा कहते हैं और किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज को हम मिनिमा कहते हैं अच्छा यहाँ पे मैंने वैल्यूज का वर्ड यूज़ करा है क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकता है सही है तो हम इसको रिलेटिव मैक्सिमा भी कहते हैं यानी ये वाली वैल्यू इसके रिस्पेक्ट से तो मैक्सिमा है लेकिन इसके रिस्पेक्ट से रिलेटिव मैक्सिमा होगी ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यूज़ आपके पास एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो आपके पास मैक्मा या मिनिमा होता है अच्छा मैक्सिमा और मिनिमा को कलेक्टिवली हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ या हम उन्हें टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं टर्निंग पॉइंट अच्छा अब हम इन्हें एक्सट्रीम वैल्यूज़ या टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं क्योंकि एक्सट्रीम तो कुछ भी हो सकता है बहुत ऊपर भी एक्सट्रीम हो सकता है बहुत नीचे भी एक्सट्रीम हो सकता है इसीलिए हम मैक्सिमा और मिनिमा को एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं और टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं टर्निंग पॉइंट हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि टर्निंग पॉइंट यानी एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आप ही देख सकते हैं कि ग्राफ टर्न हो जाता है किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पे जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है जैसे ही वो पॉइंट बी पे आया ग्राफ क्या हो गया आपके पास डिक्रीजिंग हो गया तो इसका मतलब ये कि पॉइंट बी को हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसी तरीके से अगर ये ग्राफ नीचे चलता हुआ आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या है डिक्रीजिंग जैसे ही पॉइंट सी पे आया ये आपके पास इंक्रीजिंग हो गया यानी पॉइंट सी पे आके ये टर्न हो रहा है इन अ सिमिलर वे आप डी के लिए भी कह सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं जैसे ही पॉइंट डी पे आया ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई डिक्रीज़ हो गई ओके okay? तो यहाँ पे अब तक हमने देखा कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राफ है इस ग्राफ में अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ देखनी है तो हम इस ग्राफ से जज कर सकते हैं कि बी और डी आपके पास मैक्सिमा है और सी आपके पास मिनिमा है और मैक्सिमा और मिनिमा को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ या टर्निंग पॉइंट ओके अच्छा अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है और उसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि आप उस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा बताएं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो स्टेप्स क्या हैं आपके पास वो स्टेप्स आपके पास कुछ इस तरह से हैं जिसको अभी हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे भी पहले आपको स्टेप्स याद होने चाहिए तो स्टेप नंबर वन क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स आप स्टेप नंबर वन में आप उसका डेरेवेटिव ले लें सिंपल ओके सेकेंड स्टेप में क्या करें आप उसका एक और दफ़ा डेरेवेटिव ले लें जिसको हम f डबल डैश एक्स रिप्रेजेंट करते हैं ओके स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करते हैं हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं f डैश एक्स को आप जीरो के इक्वल इक्वेट कर रहे होते हैं ओके okay? अच्छा एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम एफ़ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं इक्वेट करने पे आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आती हैं दो वैल्यूज़ आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एक्स वन आ गई और एक एक्स टू आ गई अब हमें ये देखना है कि ये जो दो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं जिसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कह रहे हैं तो उन एक्सट्रीम वैल्यूज़ में से मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है उसके लिए हमें क्या करना होता है कि आप क्या करें फॉर एग्ज़ाम्पल आप एफ़ डबल डैश एक्स में पहली वाली वैल्यू पुट करें x1 और उसी f डबल डैश x में आप दूसरी वाली वैल्यू पुट करें विच इज x2 अब अगर आपके पास ये वैल्यू पुट करने पे अगर आपके पास वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन जीरो तो ये जो वैल्यू होगी दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू या जिसको आप मिनिमा भी कह सकते हैं ओके और उसी f डबल डैश x में यानी जो आपके पास फंक्शन है जिसका आपने डबल डेरिवेटिव लिया है उसके अंदर जब आप एक्स ट्रू फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पुट कर रहे हैं अगर आपके पास वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ रही है इसका मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट को आपने पुट करा इस फंक्शन के ऊपर वो पॉइंट होगा आपके पास मैक्सिमा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड कर लेते हैं बहुत आसान तरीका है बहुत आसान स्टेप है दोबारा रिकॉल कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है आप क्या कह रहे हैं पहले स्टेप में उसका डेरिवेटिव ले लें जिसको आप एफ डब एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड स्टेप में आप इसका डबल डेरिवेटिव ले लें यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको आप एफ़ डबल डैश एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे फिर आपने क्या करना है एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए आप एफ़ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करें आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर आपने क्या करना है एक एक करके आपने उन वैल्यूज़ को आपने एफ डबल डैश एक्स में पुट करना है तो एफ डबल डैश एक्स में पोर्ट करने के बाद अगर आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव आ रही है तो वो मिनिमा होगी यानी ग्रेटर देन ज़ीरो है थोड़ा सा आपको uh, एक रिवर्स uh, रिलेशन मिलेगा कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो होगी आपके पास मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यूज़ और अगर आपके पास वो वैल्यू लेस देन ज़ीरो है लेस देन ज़ीरो यानी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो आपके पास मैक्सिमा कहलाएगी ओके तो अभी हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं उस एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर हम यही मेथड को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप एक गिवन फंक्शन का आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं तो आए चले हमें इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फंक्शन लिखा है और हमें क्या करना है इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइन करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको आपने इस फंक्शन को डेरिवेट करना है तो आप इसको डेरीवेट कर लें ये क्या हो जाएगा आपके पास डेरीवेट करने पर एफ डैश एक्स एक्स क्यूब का डेरेवेटिव क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर का डेरेवेटिव क्या होगा पावर सामने आएगी तो नाइन टू जै एटीन और पावर में से वन माइनस करेंगे एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स का डरेवेटिव होता है आपके पास फिफ्टीन ओके अच्छा फिर क्या करना है आपने इसका दोबारा डेरीवेट करना है तो ये बन जाएगा आपके पास एफ डबल डैश एक्स ठीक है तो जब आप इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे या डेरिवेटिव लेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर के डेरेवेटिव क्या होगा आपके पास सिक्स एक्स पावर टू सामने आएगी थ्री टू जिक्स पावर में से वन माइनस करेंगे एक्स माइनस ये हो जाएगा आपके पास एटीन ओके ये हो गया स्टेप नंबर वन ये हो गया स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री यानी आपने एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्या करना है एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करना है तो आपने क्या करना है एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करना है इसका मतलब यह है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वेर माइनस एटीन एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो यह आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सिम्प्लीफाई करना होगा बहुत आसान काम है थ्री को आप ब्रेक कर सकते हैं थ्री वन ज़ा थ्री फिफ्टीन को आप ब्रेक कर सकते हैं फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन ओके अच्छा अब अगर आपने पेयर बनाना है तो आपने क्या पेयर बनाना होगा फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन एंड थ्री वन ज़ा थ्री यानी फिफ्टीन और थ्री का पेयर बनाना होगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा आपके पास थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस इसको आप लिख सकते हैं फिफ्टीन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन इक्व टू ज़ीरो जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इन दोनों में थ्री एलसीएम आएगा ब्रैकेट में बचेगा सॉरी थ्री एक्स कॉमन आएगा ब्रैकेट में बचेगा आपके पास एक्स माइनस फाइव और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास माइनस का थ्री ओके ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास एक्स माइनस फाइव इक्व टू ज़ीरो ओके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें एक्स माइनस फाइव को आप कॉमन ले लें एक्स माइनस फाइव कॉमन आ जाएगा देन आप थ्री एक्स माइनस थ्री को वन साइड आप ब्रैकेट में लिख लें जब तो आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास एक्स की एक वैल्यू आएगी वन और एक्स की दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास सॉरी एक्स की एक वैल्यू आएगी आपके पास फाइव ओके okay? और इसको सॉल्व करने पे आपके पास एक्स की एक वैल्यू आएगी वन तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगे और ये दो वैल्यूज़ आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब ये है कि ये आइदर इट कुड बी मैक्सिमा आइदर इट कुड बी मिनिमा नाउ इन ऑर्डर टू चेक आइदर दिस इज़ द मैक्सिमा और मिनिमा हमें क्या करना है एक्स इक्व टू फाइव और एक्स इक्व टू वन को एक, एक करके आपने इस वाली इक्वेशन में पुट करना है ओके तो जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या होगा पहले मैं क्या कर रहा हूं एफ डबल डैश फाइव पुट कर रहा हूँ यानी यहाँ पे एक्स की जगह फाइव पुट कर रहा हूं तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स की जगह जब आप फाइव पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स फाइव जो थर्टी एंड थर्टी माइनस एटी इज़ ट्वेल्व तो ट्वेल्व आपके पास क्या है ग्रेटर देन जीरो ओके और जब आप दोबारा से इसी एफ डबल डैश एक्स में आप एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे आपके पास क्या होगा जब आप यहाँ पे वन पुट करेंगे तो सिक्स वन जो सिक्स माइनस एटीन सो सिक्स माइनस एटीन इज़ माइनस का ट्वेल्व ओके तो ये बन जाएगा माइनस का ट्वेल्व एंड माइनस के ट्वेल्व इज़ लेस देन ज़ीरो ओके दोबारा बता देता हूँ हमने क्या करा सॉरी uh, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक हो गई जब आप यहाँ पे फाइव पुट करेंगे सिक्स फाइव जो थर्टी थर्टी में से जब आप एटीन माइनस करेंगे तो ट्वेंटी टू बचेगा ओके अगेन ट्वेंटी टू इज़ ग्रेटर देन जीरो तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपने दो वैल्यूज निकाल ली एक्स इक्व टू फाइव एक्स इक्व टू वन फिर आपने फाइव को इधर पुट करा सॉल्व करने पर पा आपके पास आया ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो और जब आपने वन को दोबारा से यहाँ पुट करा आपके पास आया माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इज लेस देन ज़ीरो इसका मतलब ये है कि आपके पास मैं आ, आपके आंसर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ कि जो आपके पास फाइव है आपने जब फाइव पुट करा आपके पास वैल्यू क्या आई ग्रेटर देन जीरो तो मैंने आपसे क्या कहा था रिवर्स रिलेशन है अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि यह आपके पास मिनिमम पॉइंट है तो फाइव आपके पास मिनिमा है यानी एक्स इक्वल टू फाइव ये आपके पास मिनिमा होगी ओके okay? और इस फंक्शन के ऊपर आपके पास एक्स इक्वल टू वन के ऊपर क्योंकि जब आपने वन पुट करा आपके पास वैल्यू नेगेटिव आई तो x इक्व टू वन के ऊपर x इक्व टू वन के ऊपर आपको क्या मिलेगा मैक्सिमा मिलेगा ओके okay? तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपके पास फंक्शन है इस फंक्शन में आपको आ, किस पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमा मिलेगा मैक्सिमा मिलेगा आपको एक्स इक्व टू वन के ऊपर जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी और एक्स इक्व टू फाइव के ऊपर आपको मिनिमा मिलेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी तो इस तरीके से विद दी हेल्प ऑफ डेरिवेटिव आप किसी भी एक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने बड़े डिटेल में देखा कि आपके पास अगर इस तरह का एक ग्राफ है कि जो कि इस तरह से आपके पास कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग है तो उसके अंदर मैक्सिमा क्या होता है मिनिमा क्या होता है इसको कलेक्टिवली हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं या टर्निंग पॉइंट कहते हैं एंड थ्रू एन एग्ज़ाम्पल हमने ये समझने की कोशिश करी कि अगर आपके पास ये एक फंक्शन है तो उस फंक्शन का अब मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फ़ाइन करते हैं उसके लिए आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है पहला ये पहला स्टेप ये है या कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है पहले स्टेप में आप डेरेवेटिव लें दूसरे स्टेप में आप डबल डेरेवेटिव लें तीसरे स्टेप में आप एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल लें वहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी फॉर एग्जाम्पल फाइव और वन आप इसको डबल डेरेवेटिव वाली इक्वेशन में पुट करें अगर वैल्यू ग्रेटर देन दे दे जीरो है तो वो पॉइंट यानी फाइव आपके पास क्या हो जाएगा मिनिमा और अगर लेस देन जीरो है तो वन फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा मैक्सिमा ओके सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर वीडियो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर And we'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.